हरे कृष्णा। जो एनिमल मूवी है, यह इस से जो डिस्कशन हो रहा है उसके कारण उस पे हम भगवद्गीता का पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत हिंसा है, और ऐसे जो मूवीज है वो पॉपुलर हो रहे हैं तो ये बहुत बुरी बात हो रही है, क्योंकि इससे समाज पे क्या प्रभाव होने वाला है। कुछ और लोग कह रहे हैं कि मूवीज तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, कोई इससे तो अपने जीवन में कुछ एक्ट तो नहीं करते हैं। तो अभी सबसे पहले ये एक एडल्ट्रेटेड मूवी है, न तो मैंने देखा है, ना मैं देखने वाला हूँ, ना मैं ये किसी को रेकमेंड कर रहा हूँ देखने के लिए। मैं भगवद्गीता पढ़ता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए भगवद्गीता केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, पर वह वास्तव में हमें दुनिया को एक और ज्ञान की दृष्टि से देखने के लिए एक रिसोर्स है, यह मैं दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए जो डिस्कशन हो रहा है या एनिमल मूवी के कारण, उस पे मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ। तो क्या जो हम मूवीज देखते हैं, क्या उससे केवल मनोरंजन होता है, या उससे हमारे जो नैतिक मूल्य है उन पे भी कुछ प्रभाव पड़ता है? तो भगवद्गीता कहती है कि जब हम बाहर से कुछ चीजें अंदर लेते हैं, हमारी इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, तो हमारे अंदर दो रिसोर्सेस है, एक है हमारा मन और दूसरा है हमारी बुद्धि। मन केवल भावनाओं के अनुसार जाता है, और जो भी अच्छा लगता है वह उसे निगल लेता है मन। तो मन मनोरंजन को देखता है, को मनोरंजन में क्या मूल्य दिखाए गए हैं उसके बारे में परवाह नहीं करता है। अच्छा स्पेशल इफेक्ट्स हो, अच्छा एक्शन हो, अच्छा जो दिखने कुछ अच्छा लगने वाला हो तो वो उसको ले लेता है। पर बुद्धि जो होती है वो एक फिल्टर के समान कार्य करती है, कि बुद्धि विचार करती है कि ये अच्छा है या नहीं है, ना कि नॉट जस्ट इट फील्स गुड बट इज इट गुड, यह भेद मन करता, बुद्धि करता है। तो अभी बुद्धि जो है ये फिल्टर तीन जगह पे लगा सकती है। एक है कि कुछ चीजें हम बाहर से अंदर लेते ही नहीं है, कोई बहुत खराब चीज हो रही होगी तो माता अपने बच्चों के आंखें बंद कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हें देखना नहीं चाहिए ये, तो बाहर से कुछ अंदर मत लो, ये एक स्तर का फिल्टर है। दूसरा है कि अगर कुछ अंदर ले भी लेते हैं तो हम उस पर चिंतन नहीं करते हैं, ध्याय तो भगवान कहते हैं कि जब हम चिंतन करते हैं, उसको अंदर रिप्ले करते हैं तो उसकी शक्ति और बढ़ जाती है, तो वो नहीं करते हैं। और तीसरा है अंदर जो रिप्ले भी होता है तो उसको हम कार्य नहीं करते हैं, उस पर हम बाहर दिखाते नहीं है। तो ये तीन स्तर पे जो बुद्धि का फिल्टर आता है हमारे जीवन में, हमारे अंदर के जीवन में। तो अभी भले ही बाहर के दुनिया में लोग मन और बुद्धि इस इन टर्म से पता ना हो, पर ये समझ में आता है कि जो बुद्धि है वो छोटे बच्चों की विकसित नहीं है, इसीलिए छोटे बच्चों के कई ऐसा मनोरंजन होता है। छोटे बच्चे अगर समझ नहीं पाएंगे ये सत्य है ये सत्य नहीं है, ये जीवन में करना है जीवन में नहीं करना, इसीलिए कई ऐसा एंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है, वो छोटे बच्चों को नहीं दिखा जाता। एडवर्टाइजिंग जो होती है, कई बार ऐसे नियम होते हैं देशों में कि छोटे बच्चों को डायरेक्टली टारगेट करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट्स ही ये हमें एक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जो हम देखते हैं उस पे हमारा हम पर उसका हम पर प्रभाव होता है। अगर जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उससे कोई प्रभाव होता ही नहीं, तो फिर एड कंपनी जो है इतने सारे पैसे एड्स में क्यों डालते हैं? तो जब हम एड्स देख रहे होते हैं तो हम हमारे मन को आकर्षित करते हैं, पर हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखना होता है ये एड कहां तक सही है और कहां तक सही नहीं है। तो अभी वही हमें मनोरंजन के जब हम देख रहे हैं तभी करना पड़ता है। तो अभी ये सत्य है कि मूवीज में हिंसा देखकर ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति हिंसक बन जाएगा, अधिकांश लोग नहीं बनते, क्योंकि तो उनकी बुद्धि इतनी तो अच्छी है कि समझ में आता है कि ये मैं जीवन में असली जीवन में कार्य नहीं कर सकता हूं, मैं अकेला व्यक्ति कोई 100 लोगों को पीट नहीं सकता हूं, तो उतनी बुद्धि लोगों को होती है। तो हम तीन तरह के लोगों को देख सकते हैं, जो लोग ऐसे मनोरंजन को देखते हैं तो उसको मनोरंजन के रूप में छोड़ देते हैं, उसको ज्यादा रिप्ले अपने मन में नहीं कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है जो मन में रिप्ले करते हैं पर उस पे कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो है रिप्ले कर रहे हैं मन में, अगर कुछ मौका मिल गया तो फिर शायद वह भी वैसा कार्य कर बैठे, क्योंकि मन में तो वो शक्तिशाली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रिप्ले हो रहा है, ध्याय तो स्मरण हो रहा है बार बार। तो कोई साधारण जीवन में हिंसा नहीं करेगा व्यक्ति, पर उसको बहुत क्रोध आ गया हो
और उसके पास उसका दूसरा दूसरा जो व्यक्ति हो वो शक्तिहीन हो, उस व्यक्ति के पास बहुत शक्ति हो, तो जो इरेशनल रेज कहते, ऐसे पागल जैसे गुस्सा आ जाता है और व्यक्ति कुछ कर देता है जो उसे ना साधारणतः नहीं करना चाहिए। ऐसे क्यों होता है, वो क्रोध क्यों आ रहा है, वो हिंसा क्यों हो रही है, क्योंकि वो उसकी कल्पना मन में पहले से हो रही है, वो इनपुट्स मन में ले लिए है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे मौकों के लिए ढूंढते हैं, और वो जो ऐसे हिंसक लोग होते हैं पहले से, उनको और ऐसे कल्पना को उनको और फ्यूल मिल जाता है। तो अभी हम पोर्नोग्राफी के बारे में देखेंगे, तो बहुत से लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में हो गए, पर सब लोग जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, वायलेंट पोर्नोग्राफी भी देखेंगे, वो तुरंत अपने जीवन में वायलेंस नहीं करने वाले हैं किसी के प्रति। पर जो लोग ऐसे वायलेंस करते हैं, ऐसे हिंसा करते हैं, वो सेक्सुअल वायलेंस करते हैं, वो तो अधिकांश रूप में उनकी उनकी हिस्ट्री देखते हैं तो क्या होता है, उन लोगों ने वायलेंट पोर्नोग्राफी कंज्यूम किया होता है। तो अभी एक तरह से कहेंगे तो जो लोग इस ऐसे मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं वो काफी बड़े मात्रा में होगा, जो उसको रिप्ले करेंगे थोड़े कम होंगे, जो उसको अगर मौका मिल जाएगा तो उसको कार्य करेंगे वो और कम होंगे, और जो मौका ढूंढ रहे हैं वो और कम होंगे। पर ऐसे लोग जरूर है, इसीलिए ये कहना कि मनोरंजन से लोगों के बर्ताव पे प्रभाव नहीं होने वाला है, यह एक थोड़ा डिसेप्टिव है। यह कहना कि जो भी हम मनोरंजन में दिखाएंगे वो सब लोग करेंगे, वो अभी गलत है। तो अभी हमें क्या करना है, व्यक्तिगत रूप पर हमें हमारे बुद्धि को सुदृढ़ बनाना है, कि भगवीता कह भगवीता उसी के लिए दी गई है कि हमारे बुद्धि को सुदृढ़ बनाए। तो पहली चीज है कि ऐसे कंटेंट को अंदर ही मत आने दो, तो वो कुछ खतरा काफी कम हो जाता है, वो बुद्धि का एक फिल्टर है कि डोंट टेक इन कंटेंट दैट इज कंटेमिनेटिंग। दूसरा है कि उसको अंदर आ गया है, देख लिया किसी तरह से, तो उस पर चिंतन मत करो। ध्याय तो कभी हम रोक नहीं सकते हैं, पर सॉरी दृश्य तो हम देखना रोक नहीं सकते हैं, पर ध्याय तो चिंतन तो रोक सकते हैं, उसको हमें अंदर रिप्ले नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि हमारी बुद्धि को इतना तो शक्तिशाली बनाए कि हम वो कभी हम उस पर कार्य नहीं करेंगे। तो भगवीता कहती है कि ये तीनों के बारे में भगवीता बताती है कि सबसे पहले तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, भगवद्गीता में कहते हैं भगवान कि तुम ऐसा कार्य करो जिससे कि तुम बाहर से अंदर ऐसी चीजों को आने ही मत दो। दूसरा कहते हैं वो कि आप दृश्य तो हो सकता है पर ध्याय तो मत होने दो, तो मैंने बताया 262 में होते हैं वो। और फिर तीसरा बताते हैं कि शम और दम होता है, शम मतलब दो सद्गुण, शम मतलब कि आप मन को ही शांत रखो, मन को उत्तेजित होने ही मत दो, पर अगर मन उत्तेजित हो गया तो दम मतलब उसको इंद्रियों के स्तर पे कार्य तो मत करने दो। तो अलग अलग तरह से हम बुद्धि के द्वारा हमारे जीवन में फिल्टर ला सकते हैं, और उससे हम जो समाज में दूषित वातावरण हो रहा है, दूषित मीडिया जो है, उसके कारण हम उसका प्रभाव हम पर कम कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पे हो गया, ये सामाजिक स्तर पे क्या हो सकता है, आइडियली ये है कि हम ऐसे ऐसा कंटेंट बने ही नहीं। पर कुछ लोग तो होंगे जो ऐसे कंज्यूम करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो किस हद तक रेगुलेशन समाज में होना चाहिए ये अलग 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 फैक्टर्स पर निर्भर है। वो सरकार और जो अथॉरिटीज है, कल्चरल का माहौल है, उस पर निर्भर है, उस पर हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। पर बेस्ट ये है कि ऐसा इनपुट आए ही नहीं, इसका मौका ही ना मिले समाज में लोगों को देखने के लिए, पर वो अधिकांश रूप से आजकल के समाज में तो संभव नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे न केवल हमारी बुद्धि को सुदृढ़ कर सकते हैं, पर दूसरों को भी उनकी बुद्धि सुदृढ़ करने का मौका दे सकते हैं। भगवद्गीता इसी के लिए बहुत ही तत्पर है। तो अगर हम भगवद्गीता के ज्ञान का वितरण करते हैं, शायद हम भगवद्गीता के बारे में दूसरों को बताते हैं, हम भगवद्गीता का वितरण करते हैं, भगवद्गीता को सुनने और समझने के लिए दूसरों को आमंत्रित करते हैं, तो उससे जो है लोगों की बुद्धि सुदृढ़ हो जाएगी। और उससे बड़ी चीज है कि ऐसा जो मनोरंजन है जो मन को दूषित कर रहा है उसको निंदा करना ही पर्याप्त नहीं है। मनोरंजन तो एक सबकी जरूरत है। भगवीता में भगवान कहते हैं विहार युक्त विहारस्य, कि मनोरंजन भी जरूरी है, पर ऐसा मनोरंजन अच्छा है जो रेगुलेटेड हो, जो जो नियंत्रण में हो और जो कनेक्टेड हो, जो हमें और बड़ी शक्तियों से
और परम सत्य से हमको लिंक कर सके। तो बेस्ट सॉल्यूशन ऐसे है कि अगर ऐसा कंटेंट बनाया जाए और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए रिसोर्सेज दिए जाए जिससे कि जो जो न केवल एंटरटेनिंग हो पर जो अपलिफ्टिंग भी हो, जो अच्छे मूल्य भी सिखाए। तो जैसे चार 40 साल पहले रामायण आया था और अभी पैंडेमिक में उसको रिप्ले भी किया गया था, तो वो दूरदर्शन पे था, तो तभी उसमें क्या था, वो कुछ हद तक मनोरंजन भी था और वो अपलिफ्टिंग भी था। तो ऐसा और कंटेंट बनाया गया तो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन इन द आउटर वर्ल्ड। बाहर के डोमेन में वह अच्छा सोल्यूशन है, अंदर के डोमेन में हम सबको अपने हमारे व्यक्तिगत स्तर पे हमारे बुद्धि को और सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो सारांश में, क्या मूवीज लोगों को केवल मनोरंजन करते हैं या उनके व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं? दोनों है, मन के लिए मनोरंजन होता है, उनका व्यवहार में कितना, बर्ताव में कितना परिवर्तन होगा वह उनकी बुद्धि कितनी सुदृढ़ है उस पर निर्भर है। तो हमें बुद्धि से कुछ चीजें देखनी ही नहीं है, देखनी है तो उस पर स्मरण नहीं करना है, और स्मरण हो गया तो उस पर कार्य नहीं करना। ये तीन स्तर के फिल्टर्स है, और ये तीनों फिल्टर्स भगवत कैसे हमें संतुलन बनाना है ये भगवत गीता सिखाती है। और साथ साथ ऐसा कंटेंट अगर न बने तो ही अच्छा है कि जो मन को दूषित कर रहा हो मनोरंजन के नाम में, पर वैसा अगर हो नहीं सकता है तो कम से कम बुद्धि को सुदृढ़ कर सकते हैं भगवद्गीता के ज्ञान को प्रचार करके। और जो मन के मनोरंजन की जरूरत है उसके लिए शायद हम ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जो मन जो न केवल मन के लिए मनोरंजन रखो पर जो जो अच्छे मूल्यों को भी दिखा सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।